सो गुड इवनिंग दोस्तों, आज मैं व्लॉग लास्ट में मतलब शाम के टाइम पे शूट कर रहा हूँ, क्योंकि यह है एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल चीज, और वो है गूगल की तरफ से एक चिट्ठी, पत्री, जो भी समझ सकते हो आप, उसके लेने जा रहा हूँ। और उसमें क्या है मैं आपको वीडियो में जरूर बताऊंगा जब मैं उसे लेके आ जाऊंगा। तो दरअसल उसका मुझे काफी दिनों से इंतजार था और फाइनली वो आ गया। जैसे जो नजदीकी पोस्ट ऑफिस है वो पड़ेगा 7 किलोमीटर पे, भरपूर वाला इलाका, वहीं पे हमारा पोस्ट ऑफिस पड़ता है। इस टाइम पे पसीना देख लो भाई आप लोग मेरे पे कितना ज्यादा भयंकर आ रहा है। और मैंने दाढ़ी मूंछें भी थोड़ी थोड़ी ट्रिम कर ली है, क्योंकि घर वाले ऐसे हाथ पैर धो के पीछे पड़े हुए थे कि क्या जंगली बना हुआ है, थोड़ा इंसान बन जा। तो मैंने भी थोड़ी सी उनकी बात मान ली। तो कैसा लग रहा है नया वाला लुक, जरूर आप कमेंट करें बताएं। सो पहुंच गया हूं मैं रोड पे और अभी जर्नी शुरू करता हूं, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा थक लग रही है। हमारे गांव से जो सड़क पे आने की चढ़ाई है ना, माय गॉड, ऐसे जान ले लेती है ना, बिल्कुल भयंकर, क्या बताएं। चलता हूं आपको सीधे, मैं आपको नीचे मिलूंगा भरपूर पे। सो ये है मेरी डेस्टिनेशन और यहाँ पे मिलेगा मेरे को वही जो इसको मैं लेने आया, भरपूर का एरिया है। और यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है पोस्ट ऑफिस का रास्ता यहाँ से पीछे, और क्योंकि अभी बैटरी नहीं है मेरे फ़ोन में तो इसलिए मैं सीधे आपको लेके घर पे मिलता हूँ। सो दोस्तों आ गया हूँ मैं, मतलब एडसेंस तो मेरे पे आ चुका है उसका पिन, और अब मैं आपको दिखाता हूँ वेरिफिकेशन की प्रोसेस क्या क्या होती है। वैसे ये करीब 29 जुलाई को आ गया था, लेकिन मेरे पे पहुँचते पहुँचते इससे करीब करीब लग गए 20 से 22 दिन। सीन ये था कि बीच में रोड्स वगैरह भी टूटी हुई थी, तो इसकी वजह से जो ये पोस्ट है ये काफ़ी लेट पहुँची। चलो खैर पहुँच गई, उसकी बड़ी खुशी है, क्योंकि बीच में गोल नहीं हुई लेकिन मेरे पास मुड़ी तुड़ी पहुँची हुई है। तो ये है, आ गया मेरे पास। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना मेरे को ये था, बस ये चाहिए था, बस ये जो गूगल एडसेंस लिखा हुआ है, बाकी कोई मोटिव नहीं था। बड़ा मज़ा आया वैसे, इसको खोला मैंने तो पता लगा इसके अंदर कुछ है ही नहीं, बाद में पता लगा कि इसके अंदर बहुत कुछ है। तो शुरुआत में होता है ना कि कुछ नहीं आया, वही वाला सीन हो गया था। काफ़ी अच्छा लगा इसको देख के आज, और अब इसको सीधे आपके फ़ोन की स्क्रीन पर लेके जाता हूँ, अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर, और आपको दिखाता हूँ कैसे वेरिफिकेशन होता है। तो चलते हैं। तो भाई लोग ये है गूगल एडसेंस मेरे पास पड़ा हुआ, फाड़ दिया मैंने इसको, अनबॉक्स कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि ये आया कहाँ से है। ये आया है गोरेगांव ईस्ट मुंबई, और लिखा हुआ है कि इफ़ अनडिलीवर्ड, अगर डिलीवर नहीं होता तो यहाँ वापस चला जाएगा। ये मेरा एड्रेस है विच आई एम गोइंग टू ब्लर, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा मुड़ तोड़ गया है क्योंकि इतनी दूर से आया है, करीब करीब 2000 किलोमीटर का सफ़र तय करके। और ये है भाई यूट्यूब का एडसेंस का पिन, सब दे रखे हैं इन्होंने यहाँ पे, और अब मैं आपको स्क्रीन पे ले जाऊँगा। तो ठीक है, ये है पिन और ये मेरा फ़ोन है। अब मैं इसमें यूट्यूब स्टूडियो खोलता हूँ, बस नेट चलना चाहिए अच्छा वाला। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है, मतलब इसको ना लॉक कर दे, फोकस लॉक। और ये है पूरा सिनेरियो, यहाँ पे टॉगल सबसे ऊपर दे रखा है इम्पोर्टेंट, प्लीज़ साइन इन टू एडसेंस अकाउंट टू वेरीफाई एड्रेस, पिन मेल्ड टू योर बिलिंग एड्रेस। ओके, ये है एडसेंस। वेरीफाई, और ये कर दिया सबमिट। तो आ चुका है, योर बिलिंग एड्रेस हैज बीन, चला गया। ठीक है, अब पेमेंट मेथड जो है वो ऐड हो जाएगा, तो उसको तो मैं बाद में कर लूँगा। सो यही करना था इस वाली वीडियो। तो बिलिंग वाले एड्रेस को वेरीफाई करने के बाद एक उसमें ऑप्शन आता है ऐड पेमेंट मेथड का, वो भी ऐड कर दिया है, और बाकी सारी ज़रूरी चीज़ें हो गई हैं। अब है, अब जो चीज़ होगी वो बाद में होगी। तो आजकल ना ये मक्के हैं जो बिल्कुल रेडी हो गई हैं ऑलमोस्ट, और मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ तक है हमारा वाला इलाका। अरे यार यहाँ से तो घुस के बड़ा मुश्किल है। तो एक खेत ये है और एक नीचे है, एक के बड़ा ऊपर तक ये वाला है, और यहाँ से घर जाने के लिए रास्ता है। तो आजकल क्या हुआ सीन शॉर्ट, क्या करेगा यहाँ, ये जिद कर रहा है नीचे आने का, नीचे नहीं लाने दे रहा मैं, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े मच्छर हैं, बहुत बड़े बड़े। अरे 4 मच्छर बेटा उठा के ले जाएंगे तेरे को, इतने मोटे मोटे मच्छर हैं इधर।
नहीं म्याऊं कर, म्याऊं मैं ऊपर आ रहा हूँ यार। ये देखो ये है पक्षी पक्षी भगाने के लिए, चिड़िया चिड़िया वगैरह। अबे मेरे पे लग रही है यार, रुक जा ना भाई, रुक जा भाई, रुक जा। ऐसे करके ये वहाँ से ऐसे होता है देखो, और उस पर लगा रखे हैं वो बजने बजने के लिए लगा रखे हैं, ताकि जो चिड़िया वगैरह आएगी ना वो भाग जाएगी। सही रहता है ऐसे में। तो हुआ ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इस टाइम पे जो सारी सारी मक्खियाँ थी सारी ख़राब हो गई, उन पर कीड़े वगैरह लगे थे, पत्ते उन पर ख़राब हो गए। अब पता नहीं लगा कि कौन सा रोग लगा हुआ इन पर, कुछ भी अंदाज़ा किसी को लगा नहीं। सारे एरिया में यही हो रहा है सबके। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मतलब इस टाइम पे जो मुंगरियाँ हुई हैं, मक्खियाँ हुई हैं, उनमें कीड़े लगे हुए हैं। तो मेरी मम्मी जी, मम्मी दिखा रही है कि इसमें कितने कीड़े लगे हुए हैं। देखो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, ये सारे रखे हुए हैं। ये इधर इसलिए ला रखे, इनको घर में नहीं करा क्योंकि इन पर कीड़े निकलते हैं। फिर ये देखो रुक जाओ, को यो माय गॉड, एक सेकंड एक सेकंड, ये देखो ये है कीड़ा, ये देखो ये। कुल मिला के बात ये बनती है ना कि यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया है, पिछले साल से ही हो रही है वाली समस्या कि कीड़े वीड़े दिखते हैं, दिख रहे हैं इन पे मक्खियों पे, पता नहीं क्या हो रहा है। पूरे क्षेत्र में मैंने ये नोटिस करा है, सबके घरों में यही समस्या आ रही है। लोग क्या बोल रहे कि ये खेती वाला कोरोना आएगी जो खेती को इसको सब ख़त्म कर रहे हैं। वो खुद ही डिमोरलाइज हो जाते हैं, वो खेती करेंगे क्यों। और अभी मैं जा रहा हूँ धारे में, वो है देखो मेरी दिल की तमन्ना, ये वाला गजरा आ ही नहीं रहा यार, क्या करें। परसों लास्ट में 9 बजे जो वीडियो अपलोड करी ना, पता नहीं क्या हो गया उसमें, 120 130 व्यूज पड़ रखे उस पर, बताओ। अरे यार इतनी बेइज्जती तो कभी नहीं हुई थी। तो शायद वो हो सकता है कि ज़्यादा लंबी बन गई हो, जो कि मुझे लग रहा है उसका प्रॉबेबल रीज़न, लेकिन वो अच्छी थी जहाँ तक मुझे अंदाज है। बट जैसे गूगल की एल्गोरिदम की मर्जी, एक्चुअली हुआ कुछ गलत सीन हो गया मेरे साथ, मैं बताता हूँ आपको, सीन ही बताता हूँ। तो दरअसल हुआ ये कि कुछ टाइम पहले मैंने एक शॉर्ट पोस्ट करा था और यूट्यूब शॉर्ट में, जिसमें हिमाचल में धर्मशाला में कुछ तबाही वगैरह का सीन था, 30 मुश्किल से 25 सेकंड का शॉर्ट था वो, काफ़ी व्यूज़ पड़ गए थे उस पर। तो हुआ ये कि फिर मेरे को मैसेज आता है, ईमेल आता है कि आपकी जो वीडियो है वो हमारी कम्युनिटी को की गाइडलाइंस को वो फॉलो नहीं कर रही है, तो और उन्होंने उस वीडियो का मोनेटाइजेशन बंद कर दिया और वार्निंग दी थी स्ट्राइक की, क्योंकि अगली बार करोगे तो फिर स्ट्राइक पड़ जाएगा, मैं तो स्ट्राइक ही लूँगा उसको। तो उसके बाद से पता नहीं क्या हो गया है, उसके बाद से जो इम्प्रेशन है वो यूट्यूब ने कम कर दिए हैं। मुझे लग नहीं रहा कि किस वजह से कर रखे हैं, बट हो ही रखा है यार, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रखी है, जिसकी वजह से जो ये वाली वीडियो जो चल रही हैं इन पर इम्प्रेशन कम है। जबकि ये खासकर जो वो मैंने वो टनल वाली वीडियो डाली थी उस पर वो बहुत अच्छी चलनी चाहिए थी, क्योंकि उस हिसाब की ऑडियंस है मेरी, जो मेरे एक्शन वर्क वाली चीज़ें देखते हैं उस पर भी नहीं आए व्यूज़। तो कुछ लोचा हो गया है यूट्यूब की तरह से। तो इस लोचे को सुधारने के लिए एक तरीका है मेरे पास, वो तरीका ये है कि आप लोगों को शेयर करना है और लाइक करना है और कमेंट्स करना है, ताकि जो फिर से गूगल का जो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो फिर से लोगों को दिखाना शुरू कर दे, ताकि उसे ये लगे कि हाँ ये वीडियो जो है एंगेजिंग है, तो वो फिर से उसको यूट्यूब के एल्गोरिदम में लोगों को इम्प्रेशन बढ़ाना शुरू कर देगा, इम्प्रेशन घटा दिया बिल्कुल। तो भाई मैं बोल रहा हूँ जिनके भी यूट्यूब चैनल्स हैं, आप अपने चैनल पर ऐसा कंटेंट बिल्कुल मत डालना जिसे स्ट्राइक का जैसा कुछ बने, वरना भाई बहुत बहुत समस्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा। सो अभी शाम के कितने बज रहे हैं, शाम के 5:41 हो रहे हैं, और मैं आया हूँ थोड़ा सा गांव से बाहर, वहीं नीचे भरपूर साइड, थोड़ा सा वही ज़रूरी सामान लेने के लिए, और मेरे साथ है मेरा दोस्त संदीप। ऑकवर्ड है ये मेरे पीछे, अभी देख लो बस क्या है, देख ही लो इसको यार। तो भाई इस वीडियो में इतना ही है, मैंने जो सबसे पहले गूगल एडसेंस का जो आपको पिन वेरीफाई वगैरह करके दिखाया, मैं यही डालना चाह रहा था इस वीडियो में। और बाकी जो मैंने आपसे जो बातें कही हैं वो अगर उन पर आप ध्यान दें, तो कुछ ना कुछ जो यूट्यूब के एल्गोरिदम ने मेरे साथ खिलवाड़ कर रखा है वो थोड़ा कुछ हो सकता है काम का। अगर कुछ हो जाता है तो गूगल एल्गोरिदम फिर से यूट्यूब के एल्गोरिदम मेरी वीडियोज़ को फिर से ऊपर डालना शुरू कर दे सकता है, इंप्रेशन बढ़ाना शुरू कर सकता है। अब सब कुछ आप पे ही डिपेंडेंट है भाई, क्या बोले अब आपको। तो इस वीडियो में इतना ही है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी दूसरे वाली वीडियो में, ठीक है, बाय बाय, गुड बाय, नमस्ते।